हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है गर्वेत। हम आ गए अपने नेक्स्ट डे में, आज कुछ और क्वेश्चंस के साथ। हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड सर्कल्स क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 49 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, डिस्क्राइब्ड विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। हमें कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है जो कि इंक्लूडेड नहीं है सर्कल के अंदर। तो पहले मैं आपको डायग्राम बना दिखा दे रहा हूँ। सर आपका जो फिगर होने वाला है कुछ ऐसा फिगर होने वाला है कि ये एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे है आपका, एक सर्कल कुछ ऐसा ये ड्रॉ आपका, ठीक है। उसके बाद आपको पास यहाँ पे ये जो मिल रहा है ये पोर्शन, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इसका आपको एरिया बताना है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। तो जो तीनों सेंटर ये मिले हैं आपस में इस जगह पे ऐसे करके, ऐसे मिल के ये जो सेंटर है, ये सेंटर ड्रॉ कर रहे हैं कितना, 60 डिग्री, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ कितना जाएगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये और 60 डिग्री, ये। तो कुल मिला के हमारे पास में ये हमारा फिगर है, ये ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, ABC है, ABC, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस जगह पे, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास में ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना दे दिया हमें, 49 अंडर रूट 3 दे दिया, ठीक है। मतलब तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको पता कितना होता है, अंडर रूट का 3/4 साइड स्क्वायर, क्या होता है, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग यहाँ से साइड पता कर लेते हैं, क्लियर। तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा इस जगह से, कि जो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर है, साइड को मतलब ए से डिनोट कर लिया, ये किसके बराबर, ये 49 अंडर रूट 3 के बराबर है, क्लियर, किसके बराबर है, 49 अंडर रूट 3 के बराबर है। तो देखिए यहाँ से अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 आप कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 49 इंटू में 4। अब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 और यहाँ से आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 7 × 14। तो ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर। तो आपके पास ए कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से ये पूरा कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से इस जगह से हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं रेडियस। तो एक्चुअल में ये 14 है पूरा, तो ये जो रेडियस हो जाएगी, ये आपके पास रेडियस कितनी होगी, ये आपके पास हो जाने वाली 7। तो ए 14 है तो रेडियस आपके पास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके पास रेडियस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर इतना करने के बाद में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि पूरा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, उस एरिया में से हम क्या करेंगे, इन तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, और सेक्टर बन कितना रहा है, 60 डिग्री का सेक्टर बन रहा है। मतलब ओवरऑल यहाँ से क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से क्या कर देंगे हम, यहाँ पे माइनस करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। और कौन कौन सेक्टर हैं, तो एक सेक्टर यहाँ पे ये बन रहा, एक ये बन रहा और एक ये बन रहा, तो ओवरऑल कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर। तो यहाँ से क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इनटू कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, वो दिया आपको 49 अंडर रूट 3 दे रखा है, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपके पास आया, आर 7 है, तो आर इंटू आर 7 × 7, ये ऐसे कर दो, 22/7 इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360, थीटा कितना है 60, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से 360, क्लियर। इंटू में यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से 7 चला जाएगा आपके पास, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, इस जगह से आपके पास आ जाएगा 2, है ना, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 11 × 7 = 77, मतलब 49 अंडर रूट 3 माइनस का 77, ठीक। यहाँ पे ला के आप छोड़ दीजिए, अगर तब छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर वैलिड है ना, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। और नहीं तो फिर आप यहाँ पे अंडर रूट जो 3 होते हैं, अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अंडर रूट 3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है। तो आप यहाँ पे 49 टू 1.732 करेंगे, 77 का माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा जो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इससे पहले वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप मान के चलिए हर चैप्टर से आपको तकरीबन 40 से 50 एकदम टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो हर बार आपके बोर्ड पेपर में रिपीट हो रहे हैं, क्लियर। तो अगर आप खाली इन्हीं वीडियोज़ को देख लेते हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली आपके
मैं कहूँगा 90% क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, क्लियर। चलिए तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका सीबीएसई 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई 2009 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर। ठीक, और आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है ना, तो उसमें क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ऐसा भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर ही है, क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से लगा होगा, ठीक है, क्लियर होगा होगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 412 की, ठीक। क्वेश्चन 412 आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, तब तक जब तक आप इसको क्वेश्चन को पढ़िए, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए देखिए यहाँ से कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द एरिया, नहीं टू सर्कुलर फ्लोर है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि टू सर्कुलर फ्लावर बेड हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। अभी मैं डायग्राम के लिए बना दे रहा हूँ, फिगर बना दे रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो फिगर क्या है, कुछ फिगर इसका आपका ऐसा है, यहाँ पे इस जगह पे कह रहा है एक स्क्वायर लॉन है, ठीक, आपके पास एक ये एक स्क्वायर लॉन है, क्लियर। अब स्क्वायर लॉन में क्या कह रहा है कि फिगर इस कुछ ऐसा है यहाँ पे कि इधर और इधर, सॉरी, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर लॉन है, तो उसका जो लेंथ है कितना है, 56 मीटर, 56 मीटर, 56 मीटर, और यहाँ पे 56 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में इधर हमारे पास क्या है, इस जगह से यहाँ से एक क्लियर किया, यहाँ से हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोला, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके का कुछ फिगर मिला है आपको, है ना, कह रहा है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। अब इनसे कह रहा है एरिया ऑफ द लॉन हमें फाइंड करना, साथ ही साथ एरिया ऑफ द फ्लावर बेड हमें फाइंड करना, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ फटाफट, मैं पहले डायगनल्स का लेंथ निकाल लेता हूँ, है ना, डायगनल्स का लेंथ निकालता हूँ, तो यहाँ से कितना 56 है, ठीक। तो डायगनल्स का लेंथ हमारे पास में देखिए यहाँ से, ठीक है, तो डायगनल्स का लेंथ निकालने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं इधर मैं मेंशन कर देता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी और ए डी, तो हम क्या करेंगे, डायगनल्स का लेंथ, ए डायगनल डी बी का लेंथ निकालने के लिए यहाँ से हम लोग ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर कितना है, 56 का स्क्वायर, 56 इंटू 56 प्लस में ए डी का स्क्वायर कितना है, 56 इंटू 56, क्लियर, इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास जब अंडर रूट में आ जाएगा पूरा पूरा वैल्यूज, तो यहाँ से आ जाएगा 56 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये बी डी आ जाएगा, तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 अंडर रूट 2 हो जाएगा पूरे पूरे बी डी की वैल्यू, तो बी डी और ए सी ये दोनों की वैल्यू कितनी हो जाने वाली, तो ये दोनों की वैल्यू 56 अंडर रूट 2 होने, तो बी डी और ए सी दोनों की वैल्यू कितनी है, 56 अंडर रूट 2 है, क्लियर, 56 अंडर रूट 2 बी डी की भी है और साथ ही साथ ए सी की भी है, और हमारे पास में ए ओ और ओ सी है ना, तो ए ओ और ओ सी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो एक्चुअल में हमारे पास में इस जगह से आप कह सकते हैं कि डी ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, इन सब की जो वैल्यूज, इन चारों की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी 28 अंडर रूट 2 आ जाएगी, 28 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, इन चारों की वैल्यूज आ जाएंगी, क्लियर, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, अब उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे जो हमारे पास देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें इस जगह से देखते हैं यहाँ से, ये देखिए इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये ऐसे करके कुछ आपका इस जगह आपको दिख रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसे इस तरीके की शेप में बन रहा है कि यहाँ से ये पूरा आपके पास सेक्टर हो जाएगा, और ये एक्चुअल में इतना बचेगा क्या हो जाएगा, आपका सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमें इसी चीज़ को पता करना है, तो इस हिसाब से हमारे पास में हम वहाँ पे सेगमेंट वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से, तो इस जगह से जब निकालेंगे तो हमको पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि पूरा पूरा फ्लावर बेड का हमें एरिया पता करना है, इसलिए हमारे पास एरिया ऑफ जो सेगमेंट होता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था क्या,
वो होता है फॉर्मूला क्या कि पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करें फटाफट देखें, तो यहाँ से देखिए आर कितना है आपके पास, आर 28 अंडर रूट 2 है, तो मतलब 22 अपॉन 7 अपॉन में 28 अंडर रूट 2 थीटा के पास 90 अपॉन 360 कितना हो जाएगा 1/4 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 28 अंडर रूट 2। क्लियर, यहाँ से इस जगह से चलिए 28 अंडर रूट 2 है ना, और ठीक है क्लियर। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा इंटू में साइन थीटा, तो साइन 90 वाली कितनी होती है 1 होती है, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 7 4 जा 28 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर इधर आपके पास कितना हो जाएगा, इस तरफ काटेंगे तो 28 इंटू 28 है, तो यहाँ से 2 4 8 14 आ जाएगा। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर देखिए 22 इंटू 28 इंटू में हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इस जगह से 28 इंटू वहाँ से अंडर 22 मतलब ये हो जाएगा ओवरऑल 22 इंटू 28 और अंडर 2 कितना हो गया 2 हो गया, माइनस का यहाँ से आपके पास आ जाएगा इस जगह से 14 इंटू 28 इंटू में 2 है ना, अंडर 2 कितना हो जाएगा। क्लियर, ठीक, तो 28 इंटू 2 बाहर ही लीजिए आप क्योंकि दोनों तरफ सेम है, तो 28 इंटू 2 सेम है, अंदर 22 माइनस का 14 कर लेंगे हम लोग यहाँ से, तो आ जाएगा आपके पास 8 16 2 4 1 5 56 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 7 21 8, ठीक है 8 6 कितना आ जाएगा 48 मतलब कितना आ जाएगा 448 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करें, एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया कितना 448 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब हमें क्या पता करना है, हमसे बोला था कि हमें पता करना है कि फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड, तो सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड कितना आ गया 448 आ गया। क्लियर, फ्लावर बेड कितना आ गया हमारे पास में 448 आ गया है ना, और कितने फ्लावर बेड हैं, तो एक फ्लावर बेड इधर एक फ्लावर बेड इधर मतलब 2 फ्लावर बेड से, तो इसको कितने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 896 मीटर स्क्वायर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन, तो स्क्वायर लॉन का एरिया कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर लॉन का जो एरिया हो जाएगा स्क्वायर लॉन का है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 56 इंटू में 56, ठीक 56 इंटू 56 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना 3136 हो जाएगा, 3136 मीटर स्क्वायर। तो 3136 मीटर स्क्वायर हमारे पास में स्क्वायर लॉन का एरिया है, और जो फ्लावर बेड का एरिया कितना 896, तो बस कुछ नहीं करना, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 3136 प्लस में 896, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4032 मीटर स्क्वायर ये कर देगा, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से कि कैसे हम लोगों ने निकाला, यहाँ पे सबसे पहले फ्लावर बेड का एरिया निकाला, उसके बाद हमने क्या किया स्क्वायर जो स्क्वायर लॉन था उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना, चलिए ठीक नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ABC इज अ राइट ट्राइंगल एट ए, है ना ABC एक राइट ट्राइंगल है, वहाँ पे राइट ट्राइंगल ए पे है, क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। ठीक तो तुम उसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, चलिए देखिए देख रहा है ABC इज अ राइट ट्राइंगल एट ए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन AB जितना दिया आपको 6 दिया है और 10 दिया है, फाइंड द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए पहले मैं आपको इसके लिए आपका फिगर बना देता हूँ, ठीक जो फिगर हो जाएगा आपका इसका, वो फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से ये और ऐसा, ठीक ओहो ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है ये ऐसे करके यहाँ से, और जो सर्कल है सर्कल यहाँ पे इस पर ड्रॉ होगा इन सर्कल है, तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ ABC, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 10 हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेते हैं, है ना। ये 90 डिग्री का, यहाँ पे आपके पास 10 सेंटीमीटर है और आपके पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले इसकी वैल्यूज पता कर लीजिए। अगर ये 10 है, ये 6 है, देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, ध्यान रखिएगा इस बात को, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो यहाँ से हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर मतलब 100, है ना, ठीक। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो एटलीस्ट मैं पाइथागोरस थ्योरम के मामले में मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 36 करेंगे कितना 64, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक। आपको समझ में आया कि मैंने कैसे निकाला, यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम लगा क्यों लगा, क्योंकि ये 90 डिग्री इस तरफ है, तो 90 डिग्री इस तरफ है, तो उसके जस्ट सामने जो साइड होती है वो साइड क्या होती है, इसके वो उस साइड को हाइपोटेनस मानते हैं जो 90 के जस्ट सामने होती है। तो 90 के जस्ट सामने साइड वाली कौन सी होगी, हाइपोटेनस हो गई। उस हिसाब से हमने इसको हाइपोटेनस माना, बेस मान के परपेंडिकुलर मान के सॉल्व किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब ये 8 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात देखिए इस तरफ ये हमारे पास क्या है, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये मेरी हाइट हो जाएगी, क्योंकि इधर 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास बेस हुआ और ये मेरे पास हाइट हुई। तो अगर ये बेस है, AC मेरा बेस है और AB मेरी हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 8 इधर 6, यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया, इसका एरिया निकल गया, ठीक। समझ में आया आपको, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले इसका हम लोगों ने यहाँ से उसका जो बेस था वो निकाल लिया, उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC करके हमने उसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब फिर हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि एंड L इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखिए जो L है, L क्या है, L सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक, ऑफ एन इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ABC में सेंटर ऑफ इन सर्कल, जो सेंटर इन सर्कल है उसका है कितना, ABC है, है ना, क्लियर। तो अब ऐसी कंडीशन हमसे पूछा गया है कि हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABC का जो शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एंड L इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इन सर्कल ABC, ठीक है। हमें शेडेड पोर्शन निकालना, तो शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास ये एरिया है, ये हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है। ये जो रीजन है हमारे पास में, ये रीजन हमारा शेडेड रीजन, तो इस शेडेड रीजन को हमें क्या पता करना है, शेडेड रीजन को हमें एरिया पता करना है, क्या करना है, एरिया पता करना है इस शेडेड रीजन का, ठीक है। इस शेडेड रीजन का एरिया पता करने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस जगह से देखिए कि क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से मान लेते हैं कि ये एक ऐसे इधर से लेकर इधर तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ से इधर एक ड्रॉ करेंगे, पर इधर बाइसेक्टर, एक इधर बाइसेक्टर और एक ऐसा वाला, एक इधर बाइसेक्टर, ठीक। ये सब हमारे पास, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल 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 है, और ये भी हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, क्लियर इतनी बात है ना। अब इतना हो जाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर देखा जाए ऐसे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल L, देखिए LBC अगर देखिए यहाँ से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बेसिकली है क्या, अगर पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल LBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल LBC प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल LAC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल LAC या फिर LCA कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, LAB, ठीक है। तो इस तरीके से ये किसके बराबर होगा, ये पूरा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर होगा, क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस जगह से, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल LBC की बात करें, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/2, है ना, बेस, तो LBC के लिए जो बेस है वो क्या है, बेस हमारे पास BC हो जाएगा, तो बेस BC है, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट आपके पास ये R हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक हाइट है, तो ये R हो जाएगी, क्लियर। सेम चीज़ एरिया ऑफ LAC के लिए क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या है, बेस आपके पास AC हो जाएगा, और यहाँ से रेट हाइट R हो जाएगी। सेम चीज़ LAB के लिए हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2, ये क्या हो जाएगा, इधर AB हो जाएगा और हाइट R हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। इस जगह से यहाँ से फिर हम लोग जब सॉल्व करेंगे इस जगह, तो यहाँ किसके बराबर है, 24 के बराबर है, है ना, 1/2 R कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, BC प्लस में AC प्लस में AB, ठीक। तो BC प्लस में AC प्लस में AB यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में,
इस पूरे का जो हमारे पास में बी सी प्लस में ए सी प्लस में ए बी, इन सारी वैल्यूज को रख लीजिए, 24 इक्वल्स टू 1 बाई टू आर। देखिए यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू आपके पास 10 है, ए सी की वैल्यू आपके पास 8 है और ए बी की वैल्यू आपके पास 6 है। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारे पास में आर की जो वैल्यू आ जाएगी, इस पूरे को सॉल्व करेंगे 24 उधर मल्टीप्लाई करेंगे उधर 8 6 14 24 आ जाएगा, तो 24 इधर 2 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू जो आने वाली कितनी आने वाली, ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जब रेडियस ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर आ जाएगा तो हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। करेक्ट, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सिंपल सा एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, ट्राइंगल ए बी सी में से सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में से जो सर्कल का एरिया है कितना, सर्कल का एरिया होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाई आर यहाँ पे आर के लिए कितनी हो जाएगी, आर के लिए यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना, 24 दिया है, तो आपको यहाँ करना 24 माइनस का 3.14 इंटू में 2 इंटू में 2, है ना। इस पूरे को सॉल्व करने पे यहाँ पे 24 इंटू में 3, 2 2 4, और यहाँ पे पूरा जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने पे हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तकरीबन आपका यहाँ पे 22.7 रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 80/7 आ जाएगा, 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 80/7 है, क्लियर। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन आपका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीबीएसई 2009 में, 2009 का ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब बड़े क्वेश्चंस हैं, ये जब आएंगे तो आपको अच्छा खासा 3 नंबर दे के जाएंगे। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 414 पे। देखिए क्वेश्चन 414 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को देखिए, करने की कोशिश करिए, तब तक मैं उसको हटा देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इफ ओ ए इज 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ। फिगर आपके पास कुछ ऐसा है, एक सर्कल है, ठीक, ऐसा बढ़िया सा प्यारा सा एक सर्कल है। ठीक, उस सर्कल के अंदर हमारे पास में क्या है, यहाँ से इस जगह से ये डायमीटर खींची हुई है, ये डायमीटर है सर्कल के अंदर, और ये यहाँ पे कह रहा है कि बी ए ए बी ओ ए एंड ओ बी, अच्छा ओ ए की वैल्यू दे रही है आपको, ठीक है, ओ डी इज द डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, अच्छा ओ डी स्मॉल सर्कल का ओ ए, ठीक है, क्लियर भाई। देखिए आप यहाँ से आप ये हो जाएगा आपके पास ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ए बी एक डायमीटर है। ठीक, यहाँ से ये पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट सी है, तो यहाँ से जो सी ए है और जो पॉइंट आपका बी सी है, तो सी ए और जो बी सी है तो उसकी लेंथ कितनी है, वो 7 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से ये ऐसे कुछ इस तरीके से जॉइंट है, ये ऐसा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास में डी पॉइंट और ये पॉइंट हो जाएगा ओ, और इस पॉइंट का अगर डी ओ जो है वो डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो कुछ इस तरीके से आपका स्मॉलर सर्कल हो जाएगा। ठीक, क्लियर, इतनी बात है ना। तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। तो आपको ओवरऑल निकालना है जो एरिया, वो एरिया ये निकालना है और साथ ही साथ एरिया ये निकालना है, और आपको पूरा इस सर्कल को भी इंक्लूड करना है इसके अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल से क्या करना है, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है, एक सेमी सर्कल है। ठीक, उस सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल को माइनस करना है, तो आपके पास इधर का ये शेडेड रीजन आ जाएगा, और उसमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे पास छोटा वाला सर्कल है उसको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे निकालने के लिए, सिंपल सा कि सीधा पहले आप क्या कर लीजिए कि निकालिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा है, ए सी बी, ए सी बी, इसका आप एरिया निकाल लेंगे। उसमें से उसका एरिया निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए सी बी है, ए सी बी को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो आपका आंसर है उसमें क्या कर दीजिए, उसमें एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल को ऐड कर दीजिए, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल को आप ऐड कर दीजिए। ठीक, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल के लिए कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, है ना, तो पाई कितना, 22/7, आर कितना होगा आपके पास 7 इंटू में 7, क्लियर है ना, और यहाँ से इसका पूरेगा 1/2, क्योंकि ये क्या है, ये सेमी सर्कल है ना। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ
ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना, एक्चुअल में बेस 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, सो बेस 14 हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आपके पास 7 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। यहाँ से इतना हो जाएगा, इतना हो जाने के बाद में आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इधर प्लस में एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो 7 सेंटीमीटर है वो डीओ है, डीओ क्या है, डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, तो उसका जो रेडियस हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 22.7 इंटू में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 7/2 इंटू में 7/2। क्लियर, ठीक। अब यहाँ से हम काटना पीटना चालू करते हैं, यहाँ से ये चला गया आपके पास, ठीक, क्लियर। इधर आपके पास 2 7 14 आ गया, इधर आपके पास 7 7 चला जाएगा, इधर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 7 2 जा, यहाँ से आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 7 जा कितना हो जाएगा 77, माइनस का 7 7 जा 49, ठीक। जो भी आंसर है उसमें क्या कर देना है, उसमें प्लस कर देना है, 77/2 ऐड कर देना है, ठीक, क्लियर। तो हमारे पास में यहाँ से इसको सॉल्व करने पे इस जगह पे 77 - 49, तो 77 - 49 करेंगे हमारे पास में, तो ये आ जाएगा 77 - 49 करने पे 77 - 49 यहाँ पे आ जाएगा 17 है, ठीक है, 17 है, तो 17 है और यहाँ पे 9 है, मतलब 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे 6 - 4 गया कितना 2 28, तो 28 + 77/2 है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 8 to the 16, 2 to the 4 15, ठीक है, 8 to the 16, 2 to the 77, 6 6 12 13, 7 12 13, 133/2 आ जाएगा, क्लियर, ठीक। 133/2 मतलब कितना जाएगा 2 6 12 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये आपसे 2010 में और 2013 में कंटिन्यूस पूछा गया, CBSE 2010 में पूछा गया है और CBSE 2013 में पूछा गया है, साथ ही साथ ही आपके NCERT का भी क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में होगा बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया लगा होगा, अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD इज अ ट्रेपेज़ियम, बोल रहा है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेज़ियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के और BCD दिया है 60 डिग्री, BFEC इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल है ना, विद द सेंटर सी, AB = BC 7 सेंटीमीटर, देन DE = 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना। देखिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको खुद से करिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो बहुत इजी आपके लिए है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए है ना, इसलिए मैं आपको PDF दे देता हूँ, PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सारे क्वेश्चंस मैं खुद कर ले जाऊँगा बिना किसी हेल्प के, बिना किसी उसके, तो आप पहले PDF सॉल्व कर लीजिए करिए, उसके बाद क्वेश्चंस को आया करिए, ठीक। जो क्वेश्चंस नहीं है उन क्वेश्चंस को आप स्किप करके भी देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ से ई है, यहाँ से आपके पास एफ है, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए देखिए यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ से कुछ ऐसा बना हुआ है फिगर, ठीक है। अब फिगर कुछ ऐसा बना, यहाँ हमसे बोला कि ये जो हमारा रीजन है, ये हमारा रीजन शेडेड रीजन है, ठीक है, ये हमारा रीजन शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन, ठीक। ये हमारे पास शेडेड रीजन है और इस शेडेड रीजन को हमें क्या बताना है, इस शेडेड रीजन को हमें थोड़ा सा ऊपर, ठीक, इस शेडेड रीजन को हमें बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। तो एरिया देखिए यहाँ से अगर हमको इस शेडेड रीजन का अगर हमसे एरिया पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, पूरे रेक्टेंगल का एरिया देखिए इधर, ये आपके पास यहाँ पे इस जगह पे, सॉरी ट्रेपेज़ियम है, रेक्टेंगल नहीं है, ट्रेपेज़ियम है ना, BCD 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक। तो हमें यहाँ पे AB और BC की जो वैल्यू है, AB और BC 7 सेंटीमीटर, मतलब AB 7 है, BC कितना है, BC आपके पास 7 है, AB 7 है, BC 7, ठीक है, क्लियर। और जो DE है, DE की वैल्यू आपके पास कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो DE आपको दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कि डायरेक्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो ट्रेपेज़ियम है, अगर ये 7 है तो ये पूरा जो लेंथ हो जाएगी, ये भी पूरी लेंथ 7 होगी, ठीक है, ये भी लेंथ 7 होगी, तो ओवरऑल यहाँ से लेके डी से लेके सी तक कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, डी से लेके सी तक पूरा कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास में इस जगह से पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एरिया ऑफ द ट्रेपेज़ियम निकालना है। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम होता है, एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम में लिख दे रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम जो जाता है वो होता है हाफ, ये होता है हमारे पास हाफ, ये हो जाता है हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट।
तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से, बी सी और डी सी है ना, सॉरी ए बी प्लस में डी सी, सम ऑफ पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड जो साइड्स पैरेलल है, और प्लस में हाइट, हाइट ऑफ द, तो ये कितना हाइट हमारे पास बी एल है। तो आपके पास देखिए ए बी है 7 और डी सी है 11, लेकिन आपको बी एल नहीं पता है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, पहले आप बी एल निकालिए है ना, उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। ठीक, तो बी एल निकालने के लिए आपके पास यहाँ से देखिए, इस जगह से ये आपको 7 दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर, ये 7 दे रखा है आपको, और आपको बी एल पता करना, यहाँ पे थीटा दे रखा है। तो जब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, जब हमारे पास एक लाइन दी होती है और एक एंगल दिया होता है, तो उसको हम साइन या कॉस के टर्म्स में सॉल्व कर लेते हैं और फिर वहाँ से आंसर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये साइन 60 है, तो उसके जस्ट सामने साइड कौन सी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो मैंने पढ़ रखा है क्या कि साइन थीटा मतलब साइन 60, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास, बी एल हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब जब यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो साइन 60 वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 है ना, और हमारे पास जो आ जाएगा क्या, बी एल, बी एल अपन में 7। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो बी एल की वैल्यू आ जाएगी, बी एल की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, 7 अंडर रूट 3 अपन में 2 आ जाएगा। बी एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से आप ए बी डी सी और बी एल रख के आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी रख के, डी सी रख के, बी एल रख के आप एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम निकाल लेंगे। और जब आपका एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम आ जाएगा, तो एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम आ जाने के बाद में, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो फिर आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 है ना, वेयर आर विल बी योर 7 एंड थीटा विल बी ओ 360, सॉरी थीटा विल बी ओ 60। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम निकला, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लिया भाई। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम निकलने के बाद, एरिया ऑफ द सेक्टर निकल गया, अब उसमें से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम में से एरिया ऑफ द सेक्टर को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम निकलने के बाद में इसमें से हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास में, तो शेडेड रीजन है उसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ज़्यादातर कैलकुलेशन में सोचा था मैंने इसको कि मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लगा है ना, क्योंकि कई सारे बच्चे अभी उनको यही नहीं पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रिपीजियम निकालते कैसे हैं है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बता दिया। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए है ना। ठीक है, नंबर्स दिए रहते हैं, नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे का आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 28.89 आ जाएगा, समथिंग कुछ ऐसा आता है, 28.89 था या 90 था कुछ ऐसा करके, मतलब अप्रॉक्स मान लीजिएगा 28.9 मान लीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जितना बड़ी तरीके से आप सॉल्व कर पाएँ सॉल्व करिए। ठीक है, क्लियर, फिगर नहीं दिया होता लेकिन इसलिए मैं फिगर तुम्हें बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 काउस आर थ्रेटेड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 50 बाय सो बाय दे जस्ट कैन नॉट रीच ईच अदर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट अनग्रेज्ड। देखिए ये भी क्वेश्चंस जो हैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक, ये तो ये सारे क्वेश्चंस को कराने में इतना टाइम स्पेंड हो जाता है ना कि बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं। आज भी लगभग वीडियो 34 मिनट की हो चुकी है और अभी सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हो पाए हैं, और मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराता इसलिए भी नहीं हूँ कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, मैं पूरा टाइम लेके बढ़िया तरीके से बताता हूँ ताकि आप उस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। समझना मेन काम है, ठीक है, समझ जाएंगे तो अपने आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, फिर आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, तो बेटर आप अंडरस्टैंडिंग में काम करिए, समझने पर काम करिए। क्लियर, ठीक, ये कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, बच क्या रहे हैं, मैं क्वेश्चन को फटाफट थोड़ा सा जल्दी स्पीड बढ़ाऊँगा है ना, कि जितनी जल्दी क्वेश्चन हो सके वो करा दूँ, क्योंकि आप बड़ी लंबी वीडियोज़ देखते हैं तो आप उसको देखना ही बंद कर देते हैं है ना। ठीक है, आप पहले ही डर जाते हैं, वीडियो का लेंथ ही देख के आप डर जाते हैं, लेकिन आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं समझ नहीं पाते इस बात को कि मैथ्स में टाइम देना पड़ता है। मैथ्स एक डिमांडिंग गर्लफ्रेंड की तरह है, ठीक है, वो टाइम मांगती है, उसको टाइम दीजिए, टाइम देंगे तभी वो आपके साथ रहेगी, नहीं तो छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, क्लियर, कैसे कैसे बातें कराते हो आप लोग यार हमसे, चलो ऐसे ही खुद से एंटरटेन करना पड़ता है अपने आप को। तो टाइम दो भाई, टाइम जितना हो सके उतना टाइम दो, उतना टाइम डिवोट करो है ना, जितना टाइम डिवोट करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स की बात, क्लियर। चलो क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि 4 काउज आर थ्रेटेड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट
ऑफ साइट 50 मीटर एंड, ठीक है क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ भाई, फिगर बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये फिगर ऐसा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर प्लॉट है भैया, ये जो है ये 50 50 मीटर का है, ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है और ये भी 50 मीटर है। चार गाय हैं, इनको चार कॉर्नर से बांधा गया है। अभी गाय ग्रेस कर रही है, तो ग्रेस करके ये कुछ ऐसा ऐसे खा रही हैं, ग्रेस कर रही हैं है ना, तो ग्रेस करके ये कुछ ऐसा ऐसा चट कर जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसा एरिया जो बचेगा, एक ऐसा एरिया बचेगा अनग्रेस्ड एरिया बचेगा, ठीक है, कैसा एरिया बचेगा अनग्रेस्ड, जिसको उन्होंने चारा नहीं होगा, जिसको उन्होंने खाया नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो कह रहा है एक दूसरे तक ये पहुंच नहीं पा रही, इतनी दूरी है इनमें कि एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रही है। तो हमें क्या करना है भाई, ये जितना ये सब ये क्या है, ये सब 90 डिग्री है, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी आपके पास 90, क्लियर। अब ये वहाँ तक एक दूसरे तक रीच नहीं कर पा रही, कह रहा फोर काउज फोर कॉर्नर एट द फ्लैट जस्ट कैन नॉट रीच इधर व्हाट इज द लेफ्ट, ठीक। अब अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, ये आपके पास 25 हो जाएगी, ये आपके पास 25 हो जाएगी, ठीक है, ये आपके पास 25 हो जाएगी, क्योंकि 50 का पूरा तो कितना हो जाएगा, हाफ 25 भी तो होगा, करेक्ट, अभी 25 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ से एक्चुअल में जो सेक्टर है, सेक्टर का रेडियस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितने सेक्टर, 1 2 3 4, फोर सेक्टर्स बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालते हैं, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकाल लीजिए, स्क्वायर फील्ड कैसे निकलेगा, ये 50 × 50 करके निकलेगा, ठीक। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ग्रेस्ड जितना उन्होंने खाया, जितनी घास उन्होंने चरी, तो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर बेसिकली कर लीजिए, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, ये सेक्टर ही तो बन रहे हैं, है ना, और कैसे सेक्टर बन रहे हैं, क्वाड्रेंट सर्कल बन रहे हैं, ये सब सब 90 90 के बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और इस पूरे को क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने 1 2 3 4, चार से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो मेरे पास यहाँ से जाएगा माइनस का, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन 360, क्लियर, इंटू में 4, चलिए 50 इंटू में 50 माइनस का पाई कितना हो जाएगा आपके पास, पाई की वैल्यू आप रख लीजिएगा, पाई आप खुद सॉल्व करेंगे, उसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, 25 × 25 आर किलो, 25 × 25, थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, 90 90 अपॉन 360 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू में कितना हो जाएगा, 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 50 × 50 और यहाँ पे 25 × 25 × पाई, 50 × 50 माइनस का 25 × 25 × पाई, क्लियर, इसको आप सॉल्व करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 417 की तरफ। तो 417 कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर रीजन ए बी सी डी विथ ए बी 20 सेंटीमीटर एंड अ राइट सर्कुलर ए ई डी विथ ए सी डी सी इतना कट ऑफ अंदर का बी सी एड डायमीटर सर्कल इज एडेड टू द आउटसाइड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। चलिए देखिए, हाँ भाई क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन के अंदर है कि फ्रॉम ईच ऑफ टू, सॉरी कह रहा है कहाँ जाए, रेक्टेंगुलर रीजन है ए बी सी डी, देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर रीजन है ए बी सी डी, तो उसका मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक। फिगर कैसे आपको बनने वाला है, फिगर कुछ आपका कह रहा है ये है, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है ए बी सी डी, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास ए बी सी डी और यहाँ से मेरे पास एक ये कुछ ऐसा बन रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बाई टेकिंग अदर एंड टेकिंग बी सी एज अ डायमीटर ऑफ सर्कल सेमी सर्कल, ठीक है, बी सी को एज अ डायमीटर कह रहे हैं, सेमी सर्कल मान लीजिए आप यहाँ पे, है ना, और यहाँ से कह रहे हैं कि इस जगह पे जो ए डी है यहाँ पे ये एक ऐसा और एक ऐसा कटआउट निकाल दे रहे हैं, और ये जो कटआउट निकाल रहे हैं ये 90 डिग्री पे है, ठीक भाई, अरे भाई ये कटआउट 90 डिग्री में निकाल रहे हैं। अब कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया, ये एरिया उन्होंने शेड कर रखा है, ठीक, ये जो एरिया है पूरा पूरा इस पूरे एरिया को उन्होंने शेड कर रखा है, क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे आप क्या कर लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालेंगे, उसमें आप प्लस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इधर बी सी को डायमीटर मानते हुए करेंगे, है ना। इतना हो जाने के बाद में क्या कर देना आपको, यहाँ से आपको माइनस कर देना एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो सेक्टर एरिया 90 डिग्री बन रहा है, है ना, उसको आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिएगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में 90 अपॉन 360 करके करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्लिक के बताइएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए फटाफट नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये आपको पूछा गया सीबीएसई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, खुद से करिएगा आ जाएगा, डरिए मत, आ जाएगा 100% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 418। तो 418 कह रहा है फ्रॉम ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर
क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर कट। देखिए पहले फिगर देख लीजिए आप, फिगर आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ से कह रहा है स्क्वायर है भाई, ठीक है, स्क्वायर में से यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वाड्रेंट सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अपोजिट कौन सा स्क्वायर साइड 8 थी, पहले स्क्वायर 8 सेंटीमीटर, बीच में एक सर्कल रहा, बीच में एक सर्कल है, इधर एक क्वाड्रेंट सर्कल है और उधर एक क्वाड्रेंट सर्कल है, क्लियर। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेंट सर्कल ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, इन क्वाड्रेंट सर्कल का जो रेडियस है कितना है 1.4 सेंटीमीटर, इधर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके पास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। और कह रहा है अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक और सर्कल है इसका रेडियस कितना 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक। कह रहा है कि आपको निकालना है शेडेड रीजन, रिमेनिंग एरिया, ये एरिया आपको शेडेड। अरे भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीबीएसई 2010 में, है ना, कितने हलवा हलवा सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एरिया आप स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर का एरिया है ना माइनस स्क्वायर का एरिया करके उसमें क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है ना, प्लस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, ठीक है, क्वाड्रेंट सर्कल निकालने के बाद कितने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कितने हैं 2 हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपको पूछा गया सीबीएसई 2010 में, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्योंकि टाइम निकल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस भगा रहा हूँ, मेरे पास खुद से बहुत सारा दिक्कत परेशानी रहती है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 419 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन अ सेक्टर ओ एस एफ टी स्क्वायर ओ ई एफ जी इज रिमूव्ड, ओ एस एफ टी, ठीक है, ओ एस एफ टी, ठीक है, एक कह रहा है यहाँ से रिमूव, देखिए फिगर देख लीजिए आप अपने आप कर ले जाएंगे, अगर ना ही कर पाएंगे तो फिर आप मुझसे मिलिएगा, ठीक है, कितना मैंने आपको सिखा दिया, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को लेंगे, कैसे ये डायग्राम आपका ये ऐसा बना, कह रहा है भाई ये ओ है, कह रहा है ये एफ है, ये सॉरी ये एस है, और कह रहा है ये एफ है तुम्हारे पास और ये तुम्हारे पास टी है, अब इसको मैं अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं, कह रहा है यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे कह रहा है ये ई है और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये क्यू है, ठीक। अब कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कह रहा है ओ ई की जो वैल्यू है वो 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है और ये 20 है, करेक्ट। अब ये 20 है आपके पास में, ओ ई की जो वैल्यू है वो 20 है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कह रहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो एरिया जो ये शेडेड रीजन है इसका आपको एरिया बताना पड़ेगा, ठीक है, इसका आपको एरिया ये आपको यहाँ से बताना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। आप क्या करेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ईजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं, देखिए आप अच्छा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो रेडियस दिया ही नहीं गया है, बिकॉज रेडियस तो पूरा ये होगा, है ना, अरे भाई लो यार ऐसे ड्रॉ कर लो, है ना, डरने की बात नहीं है, हम हैं साथ में, ठीक है, ये 20 है, ये 20 है, यहाँ से सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो क्या हो जाएगा भाई, ये भी तो 90 होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पास 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना, तो रेडियस कितना हो जाने वाला है, रेडियस आपके पास सॉरी रेडियस यही हो जाएगा आपके पास, क्योंकि डायमीटर थोड़ी ना है, तो ये जो डायगोनल होगा ये आपका रेडियस हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपके पास 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा डायरेक्ट यही आंसर आएगा, क्लियर, ये प्रॉपर्टीज हैं सारी, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, कब पूछा गया, सीबीएसई 2012 में पूछा गया, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, क्लियर, और डेफिनेटली आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहे होंगे, आप अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का है ना, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को दे दिया है, है ना, ठीक है, टचिंग इट्स साइड्स फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, मैंने इस तरीके का एक क्वेश्चन अभी आपको शायद कराया था, है ना, आप उस क्वेश्चन को मैं इस फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपको, और इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, डरा मत करिए भाई, आप चाहे जगह कहीं पे भी हो, थोड़ा तैयार है, ज़्यादा तैयार है, बहुत ज़्यादा तैयार है, ठीक है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, है ना, ऐसा डरे नहीं कि क्या ही होगा, कैसा पेपर जाएगा, टेंथ का बोर्ड दे रहे हो यार तुम लोग, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो डर जाते हैं बेचारे, टेंथ के बोर्ड में वो टेंशनलाइज्ड हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ मतलब पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए,
है, रिलैक्स मूड से करिए पढ़ाई, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करिए, ऐसा वो बर्डन की तरह नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास शेडेड जन है, पढ़ाते पढ़ाते आप लोग मेरी ड्राइंग, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी हो गई है। चलिए ये आपका शेडेड रीजन है, ये आपको और थोड़ा अच्छा कर लो इसको, ये लो है ना। आपको यहाँ पे बोला है कि इस जगह पे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और जो साइड है कितना 12 सेंटीमीटर की साइड है भाई, किसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, ए बी सी, तो ये 12 है, ये 12 12 है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, हमें यहाँ पे बताना है इसका रेडियस, ठीक है, ये रेडियस बतानी है हमें, क्लियर। एंड द एरिया ऑफ द शेडेड, रेडियस बताने के बाद आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट को बताना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर। तो आप इसका बता सकते हैं, आप इसको मीडियन वाला फॉर्मूला लगा कर सकते हैं जिसमें 2:1 में डिवाइड होगा, ठीक है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, मैंने इतना हिंट दे दिया आपको, ठीक, क्लियर। सो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, तो आखिरी क्वेश्चन था आज की वीडियो का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल, लव यू ऑल सो मच।